इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने शासकीय अस्पतालों के डॉक्टर और मैदानी अमले को स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर का कहना है, गर्भवती महिलाओं के नियमित स्वास्थ्य चेकअप पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनका नियमित टीकाकरण और जरूरी सभी जांच समय पर हो। इस संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए लक्षणों की पूर्ति समय सीमा में की जाए। सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीयन अनिवार्य रूप से हो। उनकी जांच समय पर की जाए। उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर मिले, यह ध्यान दिया जाए। आवश्यक होने पर घर घर जाकर महिलाओं की जाँच करे। यहाँ जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके द्वारा कुछ के द्वारा ये शिकायत आई है कि उनके जो हमारा पोर्टल है गवर्नमेंट का, उस पर जानकारी नहीं भेजी जा रही है, जिससे कि आगे के जो लाभ हितग्राहियों को मिलने हैं या फिर आगे की जो कार्रवाइयाँ होनी उनमें परेशानी आती है। इसलिए अगर इस प्रकार से करते हुए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल पाए जाते हैं तो उनको नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कुछ स्वास्थ्य केंद्रों को सर जगह की कमी है कुछ? देखिए, पूरे ज़िले भर में 3 ऐसे स्थान चिन्हांकित हुए हैं जहां पर बिल्डिंग तो सैंक्शन है लेकिन स्थान के चयन के कारण न होने के कारण या फिर स्टे होने के कारण वहां पर निर्माण कार्य रुका हुआ है। आगामी TL बैठक में संबंधित SDM को जो उसमें कोर्ट केसेज में तो IC हैं या उसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निर्देशित करके समस्या का निराकरण किया जाएगा।